नमस्कार दोस्तों हर्षित द्विवेदी में आपका स्वागत है मेरा नाम है विनीत सागर डेली वन और वर अक्टोबर टू अक्टूबर 2022 आज के इंपॉर्टेंट वन कौन कौन सा है चेक करते हैं सबसे पहला ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन या फिर डब्ल्यू डब्ल्यू एक यूनाइटेड नेशंस स्पेशलिस्ट एजेंसी है इट असिस्ट इट्स अराउंड 193 मेंबर स्टेट्स इन डेवलपिंग ए बैलेंस्ड इंटरनेशनल आईपी लीगल फ्रेमवर्क टू मीट सोसाइटीज एवॉल्विंग नीड्स तो बेसिकली इंटरनेशनल आईपी लीगल फ्रेमवर्क डेवलप करने के लिए डब्ल्यू सारे मेंबर कंट्रीज को असिस्ट करते हैं क्या है दोस्तों आई लीगल फ्रेमवर्क आई मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब यह है मान लीजिए मैंने एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप किया है नया एक इनोवेशन किया है इसके लिए मुझे कुछ राइट्स दिया जाएगा जैसे कि आपने पेटेंट के नाम सुना होगा कॉपी राइट के नाम सुना होगा जैसे कि मैंने कोई एक नया गाना कंपोज किया तो वो जो गाने का राइट्स है वो मेरे पास है मैंने जो ट्यून बनाया है वो कोई और भी तो कॉपी कर सकता है ना नए लिरिक्स वगैरह ऐड करके तो वो जो पर्टिकुलर ट्यून है म्यूजिक है उसके लिए मुझे राइट्स दिया जाएगा इसी तरह अगर मैंने कोई एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया है उस टेक्नोलॉजी को कोई और कॉपी करके यूज नहीं करने के लिए मुझे उस टेक्नोलॉजी का या फिर, उस का या फिर उस का दिया जाएगा है, है तो इंटेलेक्चुअल इतना क्लियर है तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 रिलीज हुआ है दोस्तों इसमें इंडिया का रैंक है 40 वैसे 2015 में इंडिया का रैंक 81 था तो केवल सात साल में इंडिया 40 प्लेसेस ऊपर आया है दोस्तों वैसे फर्स्ट पोजिशन में है स्विट्जरलैंड फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फिर स्वीडन फिर यूनाइटेड किंगडम फिर नेदरलैंड ठीक है वैसे टॉप टेन इकोनॉमीज में चाइना भी है अगला है वर्ल्ड फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल टू बी सेटअप इन गुजरात रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल का फाउंडेशन स्टोन ले किया है भावनगर गुजरात में क्या होता है दोस्तों सीएनजी टर्मिनल देखिए टर्मिनल मतलब ये होता है जब आप बाहर से कुछ चीज़ इंपोर्ट करते हो ना जैसे कि हम नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो उसे अनलोड करने की जो फैसिलिटी जहां पे रहेगा उसे आप टर्मिनल बोल सकते हैं जैसे कि सी टर्मिनल मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को लेके आएंगे इस तरह बड़े बड़े टैंकर में वो टैंकर से कंप्रेस्ड नेचुरल गैस अनलोड करने के लिए जो फैसिलिटी होगा ना उसे टर्मिनल बोल सकते हैं तो ये जो सी टर्मिनल है दुनिया का पहला सी टर्मिनल होगा जो भावनगर गुजरात में आने वाला है वैसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मतलब क्या होता है इट इज नेचुरल गैस कंप्रेस्ड अंडर प्रेशर सो दैट मोर ऑफ इट ऑक्यूप देखिए, सिंपल सा एग्जाम्पल है मान लीजिए आपको एक कंटेनर दिया गया और आपको बोला हंड्रेड एफ ओर शीट्स ठीक है एफ ओर शीट पेपर होता है ना वो इस कंटेनर में भरना है तो अगर आप हंड्रेड एफ ओर शीट्स को ऐसे ही इसमें डालोगे तो पूरा जगह भर जाएगा है कि नहीं पर अगर आप नीचे से एकदम दबा दबा के प्रेशर में उसको बिछाओगे तो सो क्या हजार शीट्स भी आप इस कंटेनर में भर पाएंगे तो यह है कंप्रेस करने का फायदा तो उसी तरह नेचुरल गैस को भी कंप्रेस करेंगे अंडर प्रेशर सो दैट ज्यादा क्वांटिटी आप स्टोर कर पाओगे फ्यूल टैंक में ठीक है और कंप्रेस में मेनली मीथेन रहता है मीथेन इज इज प्रोड्यूस्ड कंप्रेसिंग नेचुरल गैस टू लेस देन वन परसेंट ऑफ इट्स वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर तो बेसिकली पूरा जो वॉल्यूम का वन परसेंट तक उसे कंप्रेस करेंगे ठीक है यह है कंप्रेस नेचुरल गैस उ एक पॉइंट इधर इंपॉर्टेंट है दोस्तों एट स्टैंडर्ड एटमोस्फिर प्रेशर लिखा हुआ है प्रेशर कितना आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए तो वही प्रेशर में इसे कंप्रेस करेंगे ज्यादा नहीं करेंगे ज्यादा करने से और प्रॉब्लम हो सकता है तो स्टैंडर्ड एटमोस्फिर प्रेशर जो है उसी प्रेशर में गैस को कंप्रेस करके फ्यूअल टैंक में स्टोर करेंगे इसे आप कंप्रेस नेचुरल गैस बोलते हैं वैसे दोस्तों आपको पता ही होगा आजकल सीएनजी ऑटो रिक्शास में पिकअप ट्रक्स में ट्रांसिटेंट स्कूल बसेस में इवन में भी यूज यूज होता है ठीक नहीं CNG करने के बेनिफिट्स क्या क्या है वन इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली दूसरा फायर हजार्ड कम है लो ऑपरेशनल कॉस्ट भी है अगला है सीबीआई लॉन्चेस ऑपरेशन गिरुड अगेंस्ट इलिसिट ड्रग ट्राफिकिंग सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने लॉन्च किया है एक मल्टीफेस टू डिसमेंटल ड्रग नेटवर्क विद इंटरनेशनल लिंकेजेस और इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गेरुड देखिए आप सबको पता है इंडिया में ड्रग नेटवर्क चलता है और इनका इंटरनेशनल लिंकेजेस भी है बेसिकली इंडिया इंडिया के बाहर से ड्रग्स में पहुंचता है थ्रू स्मगलिंग तो ये ड्रग नेटवर्क्स को डिसमेंटल करने के लिए सीबीआई ने लॉन्च किया है ऑपरेशन गेरुड वैसे देखा जाएगा तो ये इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क्स को डिसमेंटल करने का ऑपरेशन ऑलरेडी चल रहा है विच वॉज इनिशिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस International of Justice क्या है? United Nations का one of the principal organ है। का तो वो ये कोऑर्डिनेट कर रहा है इंटरपोल के साथ इंटरपोल क्या है इंटरनेशनल पोलिस इंटरनेशनल पोलिस को अगर कुछ ऑपरेशन प्लान करना है इंडिया में या कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है इंडिया में इसके लिए नोडल एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ठीक है नाउ तो सीबीए के साथ नर्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी कोऑर्डिनेट कर रहा है दोस्तों विद ए स्पेशल फोकस ऑन इंडियन ओशन रीजन तो इंडियन ओशन रीजन को भी यूज किया जाता है दोस्तों ड्रग ट्राफिकिंग के लिए ठीक है तो ये सबको प्रिवेंट करने के लिए सीबीआई एनसीबी सब मिलकर ऑपरेशन गेरुड लॉन्च किया है नाउ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग पोलिस एजेंसी है इंडिया में इट इज ऑल्सो द नोडल पॉलिसी एजेंसी इन इंडिया विच कॉर्डिनेट्स इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इंटरपोल मेंबर कंट्रीज आपको बताया इंटरपोल में जितने मेंबर कंट्रीज है उसे अगर इंडिया में कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है तो उनके लिए कॉर्डिनेशन वगैरह सीबीआई करते हैं ठीक है नाउ सीबीआई फंक्शन करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सीबीए को जो पावर्स मिलता है दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से सीबीए एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है ये आप ध्यान दीजिएगा ठीक है नाउ नर्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में इट इज द ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इंडिया रिस्पांसिबल फॉर फाइटिंग ड्रग ट्राफिकिंग एंड द अब्यूज ऑफ इलीगल सब्सटेंसेस नर्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो या फिर एनसी को पवर्स मिलता है एनडीपीएस एक्ट नाइनटीन एटी फाइव से दैट इज नर्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट नाइनटीन एटी फाइव इंडिया का ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस एजेंसी है ड्रग ट्राफिकिंग के अगेंस्ट फाइट करते हैं इलीगल सब्सटेंसेस के जो अब्यूज होता है उसके अगेंस्ट भी फाइट करते हैं एंड इज विद द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तो सीबीआई मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड एनसीबी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये सब आप ध्यान दीजिए अगला है अदानी ग्रीन कमीशन वर्ल्ड लार्जेस्ट विंड सोलर प्लांट रिन्यूएबल एनर्जी मेजर अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड दैट इज एजीएल दुनिया का लार्जेस्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट

कमिट किया था लास्ट ईयर सीओपी ट्वेंटी सिक्स में जो स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम में हुआ था नाउ रिन्यूएबल एनर्जी मतलब क्या होता है इट इज ऑफन रेफर टू अस क्लीन एनर्जी कम्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज और प्रोसेसेस दैट आर कॉन्स्टेंटली रिप्लेनिश्ड तो देखिए जितने भी नेचुरल सोर्सेस या फिर ऐसे सोर्सेज जो कॉन्स्टेंटली रिप्लेनिश होता है फिर से रीजनरेट होता है उससे जब आप एनर्जी को जनरेट करते हो उसे आप रिन्यूएबल एनर्जी बोल सकते हैं जैसे कि सनलाइट विंड एक्सेट्रा ठीक है नाउ सम वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन है विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी के बारे में वैसे आप सबको पता ही है दोस्तों फिर भी देखिए आपका एक बार रिविशन हो जाएगा विंड एनर्जी टेक्स एडवांटेज ऑफ विंड मोशन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड विंड मोशन कैसा होता है इट इज ब्रॉट अबाउट बाई द हीट फ्रॉम द सन एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ तो विंड मोशन होने का दो मेन फैक्टर्स है वन इज हीट फ्रॉम द सन हीट फ्रॉम द सन मतलब उससे प्रेशर डिफरेंस होता है

वो विंड का डायरेक्शन को चेंज करते हैं इस फोर्स को कोरियोल्ड फोर्स बोलते हैं ठीक है वेरी बेसिक है दोस्तों, ये सब आपने जोग्राफी में पढ़ा होगा बस मैंने आपको हर्षा ने कल कवर किया था और एक बार मैं बता देता हूं यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है एक लिस्ट टाइटल डॉस हैंडमेड फॉर द ट्वेंटी सेंचुरी सेफ ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल तो इस लिस्ट में 50 आइकॉनिक इंडियन टेक्सटाइल क्राफ्ट के बारे में लिखा हुआ है तो कुछ इंपॉर्टेंट क्राफ्ट के बारे में आपको बता देता हूं वन इज तोड़ा एम्ब्रॉयडरी एंड सुगंधी फ्रॉम तमिलनाडु हिम्रू वेव्स फ्रॉम हैदराबाद ऐसे टोटल 50 है ठीक है तो जो मेजर है ध्यान दीजिएगा एग्जामिनेशन में पूछ सकता है तोड़ा एंड सुगंधी तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं फिर देखिए खेस फ्रॉम पानीपत हरियाणा चंबा रुमाल फ्रॉम हिमाचल प्रदेश तिकमा और बुलटे एंड डाई फ्रॉम लद्दाख अवध जमदानी फ्रॉम वाराणसी फिर साउथ से इलकाल अन लाम्बडी और बंजरा एम्ब्रॉयडरी फ्रॉम कर्नाटका और भी है दोस्तों कुंबी वेव्स फ्रॉम गोवा मशरू वीव एन पटोला फ्रॉम गुजरात हिमरू फ्रॉम महाराष्ट्र गरट कोयरियाल फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड बांधा टाई एंड डाई वीविंग फ्रॉम सांबलपुर इन ओडिशा ठीक है वैसे टोटल पचास है मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल क्राफ्ट के बारे में आपको बता दिया And this list by UNESCO is significant as one of the major challenges to safeguarding of intangible cultural heritage in South Asia is the lack of proper inventory and documentation. dekhiye dosto hamare देश में या फिर पूरे साउथ एशिया में काफी intangible cultural heritage related products हैं पर उसका proper inventory नहीं है proper तरीके से उसे document नहीं किया हुआ है किसी को पता ही नहीं कौन कौन से हमारे heritage products हैं तो यूनेस्को ने अभी इस तरह एक लिस्ट प्रिपेयर किया है तो इसके प्रोटेक्शन के लिए प्रिजर्वेशन के लिए काम आएगा यूनेस्को के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स यूनाइटेड नेशंस का एक स्पेशलिस्ट एजेंसी है ऑब्जेक्टिव है प्रमोटिंग वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी देखिए वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना यूनेस्को का प्राइम ऑब्जेक्टिव है पर कैसे थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन आर्ट्स साइंस एंड कल्चर तो एजुकेशन आर्ट्स साइंस एंड कल्चर में कोऑपरेट करके इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना ये यूनेस्को का ऑब्जेक्टिव है 1945 में फाउंड हुआ था एज द सक्सेसर टू लीग ऑफ नेशंस इंटरनेशनल कमेटी ऑन इंटेलेक्चुअल इंटलेक्चुअलेशन देखिए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से पहले लीग ऑफ नेशंस था ना तो लीग ऑफ नेशंस का एक एजेंसी था इंटरनेशनल कमिटी ऑन इंटेलेक्चुअल कॉरपोरेशन उसी का सक्सेसर आप बोल सकते हैं यूनेस्को जो नाइनटीन में फाउंड हुआ था अभी के हिसाब से थ्री मेंबर स्टेट्स है दोस्तों इलेवन एसोसिएट मेंबर्स है इवन नॉन गवर्नमेंटल इंटर गवर्नमेंटल एंड प्राइवेट सेक्टर भी पार्टनर है एट द वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर इन पेरिस फ्रांस फाइनल न्यूज आशा परेक रिसीव दादा साहब फालके अवार्ड परेख ने रिसीव किया है इंडिया ऑनर द दादा साहेब अवार्ड ध्यान दीजिएगा ये अवार्ड टू का है ठीक है तो टू का दादा साहेब फालके अवार्ड रिसीव किया है वेटरिन एक्टर आशा परेग ने दादा साहेब फालके अवार्ड के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स इंडिया का हाइएस्ट अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ सिनेमा इट इज प्रेजेंटेड एनुअली एट द नेशनल फिल्म अवार्ड देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंडर है डायरेक्टरेट ऑफ हैं तो इसी सेरेमनी में दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी दिया जाता है The recipient is ऑनर्ड for their outstanding contribution to the growth and development of Indian cinema. तो इंडियन सिनेमा का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जिन्होंने भी आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है उनको दिया जाता है दोस्तों ये जो दादा साहेब फालके अवार्ड है अवार्ड कंपनी स्वर्ण कमल दैट इज गोल्डन लोटस मेडलियन ए शॉल एंड ए कैश प्राइस ऑफ टेन लाख रुपीज तो दोस्तों दैट आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव पीडीएफ लेक्स्यूशल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है थैंक यू फॉर वाचिंग बाय बाई है